नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा, जहां से वे सड़क मार्ग से मझवा विधानसभा क्षेत्र के चंदईपुर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत आज बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मैहर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से बैगा जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक सेवा देने वाले जस्टिस हेमा कोहली आज रिटायर होने वाली है। उन्हें कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के प्रबल रक्षक के रूप में जाना जाएगा। जस्टिस कोहली को 21 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब उज्ज्वला बीपीएल लाभार्थियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भी आज से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल आज से दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेगा। ये निर्णय बुधवार को मातोश्री पर हुई बैठक में अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने लिया। एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र अभी अरुणाचल प्रदेश में है। वो 1 सितंबर यानी आज से जिम्मेदारी संभालेंगे। वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए विधायक ललिता यादव ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे एक वीडियो जारी किया है। वायरल वीडियो में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम पर लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे। गूगल आधार कार्ड और मैसेजिंग कॉलिंग के नियमों में आज से बदलाव हो रहा है। इसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ने वाला है। जिन नियमों में बदलाव हो रहा है उनमें गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी, एनपीसीआई, यूआईडीआई और टीआरएआई के नियम शामिल हैं। काशी में आज से बीजेपी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत युवा मोर्चा कार्यशाला का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी सहित काशी क्षेत्र के मंत्री, विधायक और बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। राजस्थान में मानसून की बारिश ने थोड़ी राहत दी है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि बारिश थमने के बाद भी तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1947 में आज ही के दिन भारतीय मानक समय को अपनाया गया। साल 1956 में आज ही के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। साल 1962 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। साल 1994 में आज ही के दिन उत्तरी आयरलैंड में आयरन रिपब्लिकन आर्मी ने युद्ध विराम लागू किया। साल 2008 में आज ही के दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।